टीम के साथ ही आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, मेरे ऊपर एफआईआर की गई है, मेरी टीम के साथियों पर एफआईआर की गई है, हो सकता है पुलिस किसी दिन मुझे उठाकर ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को ही बोल दिया है कि भाई मैंने अपना आगे का जीवन अब ये देश की सेवा में लगा दिया, अब ये जीवन देश की सेवा में ही जाना है, तो यहाँ जाए कि कहीं और जाए। और मुझे जेल वेल से डर वैसे भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे करना क्या है, जेल में भी मैं यही काम करने वाला हूँ, वहाँ जो होंगे परेशान उनकी भी समस्याओं का समाधान करना है, मेरा काम ही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जल्दी आप लोगों से भी मिलने के लिए, जैसे मैंने कहा, दिल्ली में एक बड़े कार्यालय की व्यवस्था कर रहा हूँ जहाँ आप लोगों से लगातार मिला जाए, आप लोगों को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाए। कर्जा माफी तो एक स्टेप है, कर्जा माफ हो गया ठीक है, अब क्या? कई लोग हैं कहते हैं साहब कर्जा माफ हो जाएगा फिर क्या, व्यापार करना है, कुछ करना है, कुछ तो होगा। तो मैं क्योंकि एक बिजनेस ट्रेनर भी हूं, तो मैं आपको सिखाऊंगा व्यापार में आगे कैसे बढ़ना है, आगे दोबारा कर्जे में ना फंसो क्या करना है, आपके बच्चे, चलो आपने तो जैसे जिंदगी गुजार ली, आपके बच्चों को ट्रेन करूं कि बेटे पैसे के नियम क्या होते हैं, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, अमीर लोगों को कौन से नियम पता है जो आम इंसानों को नहीं पता। जब मैं उन्हें वो नियम सिखा दूंगा तो हो सकता है आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो तरक्की के रास्ते पर आ जाए। मैंने अपना अगला पूरा जीवन ऐसे ही जीना है, और 100 साल जिएंगे साहब, आप लोगों की दुआ लगेगी तो 100 साल जिएंगे, लोगों की सेवा में जिएंगे। आपसे भी ये कहूंगा सेवा करते रहिए, बहुत दुआएं मिलेंगी। मेरी दादी हैं अभी, उनकी उम्र लगभग 90 साल के आसपास है, अभी 2-4 दिन पहले मुझसे पूछ रही थी, कहते बेटे तू ये सब कर रहा है लेकिन तुझे क्या मिलता है, पैसा भी नहीं लेता तू, अपने पैसे लगा रहा है तू, इतना पैसा कमाया तूने वो सब खर्च कर दिया, मिलता क्या है। मैंने दादी, मेरी एक दादी थी ना, आज मेरी हजारों दादी हैं, आज मेरी इतनी दुआएं मिलती हैं। बचपन में मेरे साथ एक हादसा हुआ, मैं 4 साल का था तो मेरी मदर एक्सपायर कर गई, मेरी सगी माँ नहीं है, मैंने उनको देखा भी नहीं क्योंकि वो फोटो नहीं खींच पाती थी, तो मुझे लगता था कि माँ का ना होना सबसे बड़ा दुख है भी, अगर बचपन में माँ ही ना हो तो। मेरी दूसरी मदर है लेकिन ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से जो कर सकती थी किया, लेकिन जो माँ का बच्चे के लिए होता है वो माँ ही समझ सकती है, बच्चा समझ सकता है। हमेशा ये अफसोस रहा कि माँ नहीं, लेकिन जब इतनी माएँ मिलती हैं, वो सर पर हाथ रखती हैं, बेटा बोलती हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो कमी भी पूरी हो गई है, क्योंकि इतनी दुआएं तो शायद अपनी माँ नहीं देती, जितनी दोस्ती इतनी माँ मुझे दुआ दे रही है। बस मैं यही कह सकता हूं कि मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति भी हूं, अक्सर लोगों का दुख देख करके कई बार ऐसा अफसोस होता है कि कैसे इसका दुख दूर कर दूं। अभी एक बहन आई केरला से, 800 करोड़ रुपए का व्यापार किया उन्होंने, 800 करोड़, कितनी बड़ी कंपनी चलाई होगी उन्होंने, फैक्ट्री खड़ी करी, घर बनाए, जीरो से शुरू किया, और आज पता है 5 या 6 प्रॉपर्टियां उसकी बैंक ने कब्जा कर ली, उसकी फैक्ट्री बंद करा दी, जो 200-400 लोगों का स्टाफ जिनको सैलरी देती थी उन सबको निकाल दिया गया, और आज वो बेचारी कितनी बुरी स्थिति में है और कोई सुनने वाला नहीं, और फ्रॉड किया बैंक ने। मैंने इंटरव्यू डाला था उनके साथ, इंग्लिश में था, वो केरला से था, लेकिन मैं समझता हूँ कि भाषा बैरियर नहीं होती, अगर भावनाएं समझ में आ जाए तो। बहुत सारे लोगों ने उसको सुना, कई लोगों ने कहा सर समझ तो नहीं आ रहा क्या बोल रही हैं या आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि इंग्लिश में बात हो रही है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ इनके साथ दिक्कत है, दर्द है, क्योंकि इनकी बातों से वो लग रहा है। और वो केरला से आई मिलने के लिए। जब ऐसी घटनाएं देखता हूं तो कई बार लगता है कि यार क्या माहौल बना दिया सरकारों ने, नेताओं ने कहां कहां पहुंचा दिया। उस लेडी को तो अवार्ड मिलना चाहिए था जिसने अपने बलबूते, पहली एंटरप्रेन्योर थी वो केरला की, पहली महिला एंटरप्रेन्योर जिसने अपने बलबूते इतना कर दिया, व्यापार इतना आगे बढ़ा दिया, उसे अवार्ड मिलना चाहिए था सरकार से, और सरकार से इनाम के रूप में क्या मिला कि उसकी कंपनियां भी बंद कर दी गई, उसकी प्रॉपर्टी भी हड़प ली गई। ये गलत है, ये अत्याचार है, और मैं इसके खिलाफ हूं। और अगर कोई कहता है कि इस अत्याचार के खिलाफ बोलना अपराध है तो ठीक है, मैं अपराधी हूं, आप जो सजा देना चाहो दे सकते हो, मैं तो सरकार से लड़ नहीं सकता भाई, सरकार तो पावरफुल चीज है। बट मैं नरेंद्र मोदी जी से भी इस मंच से ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के, कांग्रेस के सभी साथियों से कहना चाहता हूं
मेरी किसी पार्टी किसी नेता से लड़ाई नहीं है, मैं किसी पार्टी किसी नेता के खिलाफ नहीं हूं। अगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि मुद्दा सही है, वो आकर के बोले कि जनता का कर्जा माफ होना चाहिए, मैं पहला व्यक्ति होगा जो नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करेगा। अगर कांग्रेस के लोग कहेंगे तो उनका साथ दे दूंगा, अरविंद केजरीवाल कहेंगे मैं उनका साथ दे दूंगा, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना कि मैं जाऊं चुनाव लड़वाऊं ये करूं, मुझे ऐसा भी नहीं करना, मुझे तो समस्या का समाधान करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं वो सब करूंगा, और मैं छुपके नहीं बोल रहा भाई, मैं खुल के बोल रहा हूं, लाइव चल रहा है, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं भाई, मैं छुपने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं आज फिर कह रहा हूं, सभी पार्टियों के सभी नेता, राज्य की पार्टियों के, राष्ट्रीय पार्टियों के, अगर वो चाहते हैं मैं सब ना करूं, वो इस मुद्दे को उठा लें, समस्या का समाधान कर दें यार, बस ना मेरा नाम लें, ना बोले शाहनवाज चौधरी ने कहा इसलिए कर दिया, ना बोले राजीव ने कहा, ना बोले सुरभि ने कहा, हमारी टीम के लोगों का नाम ना लें यार, क्या फर्क पड़ता है, समाधान कर दो बस। इस उम्मीद के साथ कि वो सुनेंगे, वो समाधान कर देंगे, अगले 6 महीने का समय और दे रहे उन्हें भाई, नहीं तो 6 महीने बाद तो उनके जाने का घर वापसी का समय है, किराएदार है भाई, परमानेंट मकान नहीं है, हर 5 साल में आना है, तो अभी भी समय है, समझ लें, संज्ञान ले लें, वरना बहुत देर हो जाएगी। बाकी ऑलरेडी ज़्यादा समय ले चुका हूँ आप लोगों का, इंटरव्यू भी होना है, बातचीत करिए, समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।